दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड लेकर आया हूं जिसका यूज आजकल स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा किया जा रहा है गाइस। वो वर्ड है फ्रीक आउट। यस गाइस, मैं इसी वर्ड के बारे में बात कर रहा हूं। बट डू यू नो व्हाट इज द मीन्स ऑफ फ्रीक आउट? अगर आपको नहीं पता सो डू नॉट परप्लेक्स। अगर आपको लाइक ऑलरेडी पता है सो कांग्रेचुलेशन। लेकिन अगर आपको नहीं पता चलिए मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ लाइक फ्रीक आउट। गाइस देखिए, अगर मैं इसके हिंदी की बात करूं तो फ्रीक आउट की हिंदी होती है, इसका हिंदी में मतलब होता है कि कोई चीज देखकर बिल्कुल घबरा जाना। जैसे आप लोग इस तरह का सेंटेंस अक्सर बोलते होंगे कि जब मैंने एक्सीडेंट देखा ना तो मैं घबरा गया, यानी उसको देख मैं बिल्कुल अंदर से क्या हुआ, फ्रीक आउट हो गया ना। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस आपको बोलना रहेगा, जब भी इस तरह का आपको हिंदी में वर्ड बोलना रहेगा कि घबरा जाना, राइट, तो वहां पे आप यूज करेंगे फ्रीक्ड आउट। चलिए मैं एलआई सेंटेंस लेता हूं ताकि आप बिल्कुल आप क्लियर समझ सके। जैसे मुझे कहना हो कि जब मैंने लाइक एक्सीडेंट देखा तो मैं घबरा गया, तो आप इससे इंग्लिश में बोल देंगे कि व्हेन आई सा लाइक एक्सीडेंट आई फ्रीक्ड आउट, यानी कि फ्रीक के सेकंड फॉर्म फ्रीक्ड, राइट। तो आई होप ये आप समझ होंगे। तो आगे से आप भी इस वर्ड को अपनी स्पोकन इंग्लिश में अपने डेली लाइफ में यूज कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।